देखिए मैं तो कह ही रहा हूं, मैं तो पहले भी आपसे पूछा है, कांग्रेस की तीनों जगह सरकार रही, अगर निपट सकता तो निपटा देना चाहिए था उनको, अगर उनकी नीयत थी तो। बीजेपी की तीनों जगह सरकार रही, अगर उनकी नीयत थी निपटा सकते थे तो निपटा देना चाहिए था। इसका मतलब ये तो स्पष्ट है कि तीनों जगह भी इनकी सरकार बनवा दोगे दोनों में से किसी पार्टी की, तो भी वो इस मुद्दे का समाधान नहीं निकाल सकते। आम आदमी पार्टी मुद्दों के समाधान निकालती है, समस्याएं बना के रखने की राजनीति नहीं करती, क्योंकि हमें स्कूल अस्पताल बनाने होते हैं। जिस दिन हमारी तीनों जगह सरकार होगी, जिस दिन हमारे हाथ में कंट्रोल होगा, उस दिन एक मिनट के लिए भी ऐसी समस्याओं को नहीं रहने देंगे, समाधान कर देंगे। आज अगर इस समस्या का निवारण करना है, दो भाइयों को लड़ाने के लिए छोड़ दो और पिता उस मीटिंग में ना बैठे, तो उस मीटिंग में कभी भी बंटवारा नहीं हो सकता। दो भाइयों के बीच में अगर बंटवारा करवाना है, समझौता करवाना है, पिता को बैठना पड़ेगा। मोदी जी कभी उस मीटिंग में नहीं बैठते, कभी भी उस चर्चा का हिस्सा नहीं बनते। और सबसे बड़ी बात, 2019 में जब मोदी जी आए थे, छाती ठोक के ये कह के गए थे, 75 साल तक हमारे हक का पानी बह के पाकिस्तान जा रहा था, मैं रोकूंगा पानी को और हरियाणा को पानी दूंगा। आज उनको पाकिस्तान ज्यादा प्यारा है हरियाणा से, आज उनको पाकिस्तान ज्यादा प्यारा है पंजाब से, आज उनको पाकिस्तान ज्यादा प्यारा है राजस्थान से। रोकिए दुश्मन देश का पानी, क्यों जा रहा है दुश्मन देश में बह के? हमारे लोग प्यासे मर रहे हैं और दुश्मन के यहाँ पानी बह के जा रहा है। रोकिए वहां का पानी, पंजाब को भी दीजिए, हरियाणा को भी दीजिए, राजस्थान को भी दीजिए, दिल्ली को भी दीजिए। अनुराग जी, कहीं भी रैली होती है तो आम आदमी पार्टी के लोग उसका विरोध करते हैं। आज भी अनुराग उनको अनुराग ठाकुर पहुंचे थे पानी पर, काले झंडे आम आदमी पार्टी ने दिखाए। देखिए निश्चित तौर पर दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे? जनता की आवाज उठाना ही तो हमारा काम है। कांग्रेस की तरह थोड़ी है जो एसी कमरों में सो रहा है विपक्ष। हम वो विपक्ष नहीं है जो जनता से वोट मांगने के वक्त तो विपक्ष हो जाता है, जनता के मुद्दे उठाने के वक्त में एसी कमरे में सो रहे होते हैं। हुड्डा साहब से लेके पूरी कांग्रेस पार्टी के सारे दिग्गज नेता 8 साल से एसी कमरों में सो रहे हैं आराम से। अब जब बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है हरियाणा में, तो फिर वो निकले हैं घर से बाहर लोगों को बरगलाने के लिए, बहकाने के लिए कि बीजेपी तो जा रही है, अब की बार हमें वोट दे दो। लेकिन सारे लोग अब समझ चुके हैं, वही घिसे पिटे, वही नकल करना, 300 यूनिट बिजली दे देंगे, हमारा वादा है। कांग्रेस पार्टी देने को तैयार है, आज कह रहे हैं 6,000 रुपए पेंशन दे देंगे। 8 साल पहले हुड्डा साहब आप ही सीएम थे, 10 साल तक दे देते 6,000 रुपए पेंशन, किसने हाथ रोका था आपका, किसने पकड़ा था हाथ आपका? 300 यूनिट बिजली आज फ्री देना चाहते हो, एक साइन कर देते मुख्यमंत्री रहते 10 साल में, कभी भी 10 साल में, हर साल 365 दिन होते हैं, 10 साल में सोचो कितने। आप एक दिन किसी दिन कलम उठाते साइन कर देते, 300 यूनिट बिजली फ्री हो जाती। जब आप सत्ता में होते हो तब लोगों के लिए काम नहीं करना, जब आप विपक्ष में हो तब एसी कमरों में सोना है, और जब चुनाव आए तब बरगलाने के लिए बाहर निकल जाना है। जनता ये सब समझ चुकी है, अगर उनको इन्हीं मुद्दों पे वोट करना है तो ओरिजिनल कॉपी यानी आम आदमी पार्टी को करेंगे ना, फोटोकॉपी को वोट क्यों करेंगे? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।